आप लोग कैसे हो उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे तो दोस्तों आज मैं फिर आप लोग के लिए एकदम न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही सिंपल वे में हम बनाएंगे लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होगा इस रेसिपी को आप घर पे खाइए या फिर लंच बॉक्स में ले जाइए बच्चे से बड़े या फिर आप सफर में ले जाइए बहुत ही इंस्टेंटली बनती है और सबसे खास बात कि घर में पड़े हुए सामानों से बनती है बहुत ही कम सामान है और मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं है जब कभी आपको कुछ डिफरेंट ट्राई करने का मन होगा तो ये सिंपल सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही लाजवाब लगती है बच्चे से बड़ों को बहुत ही पसंद आएगी और खासकर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी बहुत ही टेस्टी लगेगी दोस्तों तो चलिए फटाफट से ये रेसिपी देख लेते हैं कि कैसे बनती है रेसिपी बनाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर ये रेसिपी थोड़ी सी भी यूजफुल आपके लिए हो या थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ऐसी अच्छी अच्छी और प्यारी इंस्टेंट सिंपल इंग्रेडिएंट से बनने वाली ये चटपटी रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को साथ ही साथ बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए फेसबुक पे आप मुझे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बासमती दावत का बासमती राइस हमने लिया है दोस्तों आप कोई भी ब्रांडेड बासमती राइस ले सकते हो तो यहाँ पे अढ़ाई सौ ग्राम मैंने ये राइस को लिया है इसको हम अच्छे से पहले दो से तीन बार पानी से धो देते हैं दोस्तों इसको अच्छे से हमने वॉश कर दिया है अब यहाँ पे हम थोड़ा सा दो से तीन कटोरी इसमें पानी दे के छोड़ देंगे पंद्रह मिनट के लिए तो दोस्तों पंद्रह मिनट हो गया है इस पानी को और हम फेंक देंगे इस पानी को रखना नहीं है ऐसे धो के और इस पानी को साफ कर लेते हैं तो वो पानी हमने निकाल दिया अब यहाँ पे हम पानी दे देंगे चावल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पानी ऐड कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे लगभग मैंने तीन से चार कटोरी जो होता है नॉर्मल कटोरी उससे पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है यहीं पर दोस्तों हम सबसे पहले वन फोर्थ करीब नमक ऐड करेंगे दोस्तों हम ऑयल ऐड करेंगे दोस्तों तो ऑयल तो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है और साथ ही साथ यहाँ पे दो चम्मच हम लेमन का रस मैंने गाड़ के रखा था दोस्तों आप देख सकते हो सीड्स और पल्स निकाल के तो यहाँ पे दो चम्मच करीब मैंने लेमन का रस भी ऐड कर दिया है इस चावल में गैस का फ्लेम मैंने जला दिया है इसको ढक्कन लगा के हम कुक कर लेते हैं दोस्तों आप चाहो तो चावल को इसी टिप्स और ट्रिक्स के साथ कुकर में भी कुक कर सकते हो कुकर में कम टाइम लगेगा जल्दी बन जाएगा एक वि आने में इस पतीले में ही बना रही हूँ क्योंकि पतीले वाली जो राइस होती है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इसीलिए मैं इस पतीले में बना रही हूँ दोस्तों तब हमारी चावल पक रही है यहाँ पे हम एक छोटी सी तैयारी कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो नारियल है इस तरह से मैंने काट के रखा हुआ है छिलका मैंने निकाल लिया है एक नॉर्मल साइज की जो मीडियम साइज की नारियल आती है उसका वन फोर्थ ही हमने नारियल को लिया है दोस्तों अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो दो इंच करीब अदरक का कर टुकड़ा है तो इसको बहुत ही बारीक मैंने चॉप्ट कर लिया है साथ ही साथ यहाँ पे हरी हरी धनिया पत्ता जो होती है एक मुट्ठा जो आता है उतना मैंने ले लिया है तो धनिया पत्ता जो है मेरी बहुत ही फ्रेश फ्रेश है ताज़ा है आप देख सकते हो इसीलिए डेंटल के साथ मैं ले रही हूँ और डेंटल काफ़ी मोटे नहीं हैं पतले हैं आप चाहो तो बिना डेंटल के भी सिर्फ पत्ते इस्तेमाल कर सकते हो धनी पत्ता का लेकिन डेंटल में भी बहुत सारे गुण होते हैं मेडिकल प्रॉपर्टीज होते हैं तो इसीलिए मैं डेंटल के साथ ही इसको पीसूंगी आप चाहो तो डेंटल हटा सकते हो लेकिन मैं रिक्वायरमेंट करूंगी कि आप जब भी कभी धनी पत्ता का इस्तेमाल करते हो तो डंटल के साथ ही करना चाहिए नीचे का थोड़ा पोर्शन आप निकाल दीजिए उसके बाद आप फ्रेश फ्रेश डंटल जो रहती है उसका इस्तेमाल कीजिए यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो हरी मिर्ची है तो यहाँ पे पांच हरी मिर्ची मैं ले रही हूँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो अब इसको दर दरा हमें ग्राइंड करना है तो दोस्तों चावल को मैंने बीच बीच में चेक भी कर लिया था ये तीसरी बार मैं चेक कर रही हूँ चावल को और ये चावल जो है दोस्तों सेवेंटी परसेंट ही पकेगा ज्यादा नहीं पकेगा तो ये हो गया है आप देख सकते हो और जो हमने इसमें नमक और तेल और जो नेबों का रस ऐड किया था इससे क्या होगा ये चावल आपस में चिपकेंगे नहीं और खिले खिले बनेंगे और जो पंद्रह मिनट हमने इस चावल को छोड़ा था उस टिप और ट्रिक्स के साथ भी हमारा चावल खिला खिला बनेगा तो बस इसी स्टेज पे हम चावल को पसा लेते हैं दोस्तों ये लीजिए दोस्तों ड्राई पेस्ट जो हमारा है नारियल और कॉरिंडल लीव वाला इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है इसको दरदरा ही रखना है दोस्तों देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है अब हम इसको साइड रख देते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कितनी खिली खिली बिना चिपकी हुई चावल बनी है ये देखिए हाथ पे दिखा दे रहे हैं दोस्तों तो बस इतना ही पकाना है ज्यादा इसे नहीं पकाना है नहीं तो ये खिचड़ी टाइप का हो जाएगा दोस्तों को पसाने के लिए दोस्तों जाली वाला जो प्लेट होता है उसके ऊपर ही मैंने चावल को डाल दिया और नीचे एक बड़ा सा बर्तन रख दिया था जिसमें ये देख सकते हैं दोस्तों पानी टपक टपक के इस बड़े से बर्तन में जा रहा है और उसके ऊपर ये थाली रख दिया था दोस्तों तो इस तरह से आपकी चावल फ्रेश फ्रेश रहेगी और चिपकेगी भी नहीं दोस्तों आप देख सकते हो कितना बढ़िया है तो दोस्तों इस चावल को इस रेसिपी के लिए इतना ही पकाते हैं अगर बच्चे खा रहे हैं तो आप बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा और लूज कर दीजिएगा अस्सी परसेंट अस्सी से एटी फाइव परसेंट इसको पका लीजिएगा और ग्रहणी खा रहे हैं तो आप अपने जितना आपको लूज पसंद है दोस्तों तो उस अकॉर्डिंग आप इस चावल को पका लीजिएगा दोस्तों लेकिन ज़्यादा पकने से ये टूट जाएंगे लेकिन मैंने जितना पकाया है जितना ये चावल पकता है उतना ही पकाया है तो ये आपस में टूटेंगे भी नहीं और चिपकेंगे भी नहीं दोस्तों यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया है अब यहाँ पे हम ऑयल डाल देंगे चार से पाँच चम्मच यहाँ पे हम ऑयल डाल देंगे दोस्तों आप चाहो तो ये रेसिपी घी में भी बना सकते हो बहुत ही टेस्टी बनेगी सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे चार से पांच चम्मच मैंने मूंगफली ले लिए हैं तो दोस्तों मूंगफली से फुट फुट की आवाज आने लगे थोड़ा सा पक जाए तो इसी स्टेज पे दोस्तों आप काजू ऐड कर दीजिएगा साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो किशमिश है तो दोस्तों किशमिश को लास्ट स्टेज पे देंगे क्योंकि किशमिश जो है ये देख सकते हैं दोस्तों अर्ली सॉफ्ट हो जाती है सारे ड्राई फ्रूट्स जो थे हमारे दोस्तों इनको मैंने साइड कर दिया है इसी पैन में आप देख सकते हो अब यहीं पे दोस्तों एक चम्मच भर के हम जीरा ऐड करेंगे साथ ही साथ ब्लैक सरसों ऐड करेंगे एक चम्मच और एक चम्मच यहाँ पे चने की दाल है वो भी लेंगे उड़द की दाल है हाफ स्पून तो इसको हाथों से थोड़ा सा कॉटन के कपड़े से पोछ लीजिएगा इसी स्टेज पे आप दो दो सेज पत्ता डाल दीजिएगा करी पत्ता होगा तो आप करी पत्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हो और तीन हरी इलायची है और दो सूखी हुई मिर्ची है तो वो मैंने डाल दिया है अब इसी स्टेज पे दोस्तों आप देख सकते हो टर्मरिक पाउडर है वन फोर्थ करीब तो हम वो ऐड कर देंगे अब यहाँ पे जो ग्राइंडेड हमारा ये मसाला था तो इसको हम दे देते हैं दोस्तों तो मैं इसमें दे देती हूँ ये सारे निकाल के तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही हेल्दी रेसिपी है दोस्तों और बहुत बढ़िया लगती है खाने में इसी स्टेज पे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे चीनी का पाउडर है तो यहाँ पे तीन से चार चम्मच मैं चीनी के पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ आप चाहो तो साबुत चीनी भी ले सकते हो और चीनी के साथ इन सारे मसालों को हम बढ़िया से पका लेते हैं दोस्तों कलर आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है और ड्राई फ्रूट जो भी मैंने ऐड किए हैं दोस्तों आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो और जो मूँगफली किशमिश काजू आप देख सकते हो मिला लिया है मैंने इसी में और इसी के साथ भून रही हूँ ताकि सारे जो सामग्री है अच्छे से आपस में मिल घुल जाए और बहुत ही टेस्ट फ्लेवर निखर के आए दोस्तों बहुत ही बढ़िया और चटकदार रेसिपी बनती है टेस्ट फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है ज़्यादा मसालों की भी आवश्यकता नहीं है और कम इंग्रेडिएंट में ये चटपटी रेसिपी हमारी कम सामान के साथ बन के रेडी हो जाती है तो मैंने तो इन मसालों को एक ही मिनट भुना है क्योंकि फ्रेशनेस अगर ज़्यादा भून देंगे तो इनकी न्यूट्रिशन और फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हो लेमन का रस है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लेमन का रस भी ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे लेमन का रस मैंने चार से पाँच चम्मच ऐड कर दिया है और इनको भी इनके साथ मिला लेते हैं दोस्तों आप लेमन के रस के जगह यहाँ पे इमली का जो रस होता है थोड़ा सा इमली के भिंगा के रख दीजिएगा पानी में और उसके बाद फिर उनको सीड्स जो होते हैं उनको निकाल के फेंक दीजिएगा और उनका पल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं इमली के रस को भी लेकिन मैंने यहाँ पे लेमन के रस का ही इस्तेमाल किया है दोस्तों और बहुत ही बढ़िया और खट्टा मीठा तीखा सब फ्लेवर एक ही साथ आपको मिलेगा दोस्तों बस इसी स्टेज पे जो हमारी चावल है चावल को हम धीरे धीरे इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों तो यहीं पे हम चावल के अकॉर्डिंग जैसा आपको नमक पसंद है तो उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर लीजिएगा नमक हमने चावल में भी डाला था ताकि जो नमक का फ्लेवर है चावल के अंदर तक चला जाए आप सारी सामग्री को अच्छे से हम मिला लेते हैं दोस्तों तो ये देखिए मैं अच्छे से इन सारी सामग्री को बढ़िया से मिला लेती हूँ जैसा आपको नमक पसंद है उस अकॉर्डिंग आप इसमें कैट कर लीजिएगा दोस्तों ले लीजिए दोस्तों आप देख सकते हो फ्रेश फ्रेश फ्रेशर लिप मैंने ऊपर से दे दिया है आप इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए किसी भी मौसम में बहुत ही टेस्टी लगते हैं यम्मी लगते हैं जब कभी आपके पास कॉरिंडर लिव और चावल ज्यादा बच जाए बची हुई चावल से और बचे हुए कॉरिंडर लिप से आप ये बढ़िया बढ़िया कॉरिंडर राइस बना सकते हैं कॉरिडर लिव राइस बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इनका कलर टेक्सचर आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है कितना टेम्पटिंग लग रहा है मैं वीडियो में एकदम नज़दीक से आपको दिखा दे रही हूँ दोस्तों बहुत ही हेल्दी है आप इसको बनाइए इंस्टेंटली सफ़र में ले जाइए घर पे खाइए या लंच बॉक्स में ले जाइए बस फुल फैमिली फुल दोस्तों के साथ ये सुपर सुपर इजी और यम्मी टेस्टी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए इंजॉय कीजिए और खाते खाते अपनी इस प्यारी सी दोस्त को ये प्यारी सी रेसिपी खाके अपनी इस प्यारी सी दोस्त को याद करते रहिए बाय टेक केयर